परिचय। अमन की उम्र 8 साल है और वो बहुत ही शरारती है। आज विज्ञान के टीचर ने अमन की क्लास को केमिस्ट्री की लैब में ले जाने का वादा किया है ताकि कुछ प्रयोग किए जा सकें। लैब में पहुंचने के बाद अमन अपने ग्रुप से अलग हो जाता है। उसे मेज पर रखी एक टेस्ट ट्यूब मिलती है जिसमें चटक रंग का एक सॉल्यूशन मौजूद है। उत्सुकता के कारण वो इसे सूंघता है और फौरन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसे मछली आने लगती है और तेज सिर दर्द हो जाता है। टीचर उसे स्कूल के क्लिनिक में ले जाते हैं जहां उसे फर्स्ट एड दी जाती है। इस पाठ में आप उन नियमों के बारे में जानेंगे जिनका पालन एक सुरक्षित जिंदगी जीने के लिए किया जाना चाहिए। आओ सीखें। निम्न के लिए सुरक्षा नियमों की सूची बनाएं: घर के लिए, सड़कों के लिए, बस के लिए, स्कूल के लिए, कक्षा के लिए। घर में सुरक्षा। जीवन बेहद कीमती है। हम सुरक्षा संबंधी कुछ आसान नियम अपनाकर सुरक्षित ढंग से जी सकते हैं। घर में तेज धार औजारों, आग और बिजली से जुड़े काम करते समय हमें कुछ एहतियात बरतनी चाहिए। चाकू, कैंची और ब्लेड ऐसे उपयोगी औजार हैं जो काटने, कुतरने और तेज करने के काम आते हैं, लेकिन इनके जरिए कोई चोट ना लग जाए या कोई दुर्घटना ना हो जाए ये सुनिश्चित करने के लिए निम्न नियम अपनाएं। तेज धार वाले औजारों को बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाना चाहिए। इनका इस्तेमाल बच्चे तभी करें जब बड़े उनकी देखरेख कर रहे हों। आग इंसानों की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आग हमें रोशनी देती है और हम इस पर खाना पकाते हैं। इससे जुड़ी कोई दुर्घटना टालने के लिए निम्न नियम अपनाएं: ज्वलनशील चीजों के नजदीक माचिस ना चलाएं। माचिस और लाइटर जैसी चीजों को बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाना चाहिए। बिजली इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है, लेकिन अगर बिजली और बिजली से चलने वाले उपकरणों का लापरवाही से इस्तेमाल किया जाए तो गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए निम्न नियम अपनाएं: जब प्लग पॉइंट इस्तेमाल ना हो रहे हों तो उन्हें ढक दें। स्विच और सॉकेट को गीले हाथों से ना छुएं। बिजली के तारों को खुला ना छोड़ें। सड़कों पर सुरक्षा। सड़क परिवहन दूरियों की बाधा को खत्म करके व्यापार को बढ़ावा देता है, लेकिन अगर यातायात के नियमों का पालन ना किया जाए तो सड़कें पैदल चलने वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। सड़कों पर सुरक्षित रहने के लिए निम्न नियम अपनाएं: केवल फुटपाथ पर ही चलें। सड़कों को पार करने के लिए जिब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। सड़क तभी पार करें जब ट्रैफिक लाइट लाल हो जाए। सड़क पार करने से पहले दाईं तरफ देखें, उसके बाद बाईं तरफ देखें और फिर दाईं तरफ देखें, और उसके बाद अगर कोई वाहन ना आ रहा हो तभी सड़क पार करें। बस में सुरक्षा। बसें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। सुरक्षा से जुड़े कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका इस्तेमाल बस का इस्तेमाल करते समय किया जाना चाहिए। बस में चढ़ने के लिए लाइन में खड़े हों। ना तो लाइन तोड़ें और ना ही लाइन में खड़े अन्य लोगों को धक्का दें। चलती हुई बस में ना तो चढ़ें और ना ही उतरें। चलती हुई बस से बाहर ना झुकें और ना ही अपने हाथ और सिर उससे बाहर निकालें।
स्कूल में सुरक्षा। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां आप चीजों को आपस में बांटना और सहयोग करना सीखते हैं। जब आप स्कूल में हों तो खेलों के नियमों को ना तोड़ें, खेल के दौरान हुड़दंग ना मचाएं। कक्षा में सुरक्षा। कक्षा और प्रयोगशाला सीखने वाले स्थान हैं। जब आप कक्षाओं और प्रयोगशाला में हों तो इधर उधर ना दौड़ें और डेस्क पर ना चढ़ें। टीचर की अनुमति के बिना किसी भी रसायन या लवण को ना तो छुएं, ना चखें और ना ही सूंघें। हमने क्या चर्चा की? दुर्घटनाओं को टालने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन किया जाना चाहिए। चाकू, कैंची, आग और बिजली का इस्तेमाल करते समय एहतियात बरती जानी चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाना चाहिए। बस में चढ़ते और उससे उतरते समय नियमों का पालन किया जाना चाहिए। स्कूल और कक्षा में दुर्घटनाओं और चोटों से बचने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन किया जाना चाहिए।